भारत एक बहुत बड़ा देश है। देश जितना बड़ा है, लोगों की सोच भी उतनी ही विविध है। कोई लड़की को बड़ा अफसर बनाना चाहता है, तो कोई कहता है घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी। हालांकि अब समय बदल गया है। आज भी ना जाने कितनी बेटियां ऐसी मानसिकता के सामने अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा शक्ति को मार चुकी है। और इस कहानी को पूर्ण विराम लगाने के लिए आसनसोल के न्यामतपुर की रोशन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की सुल्ताना बेगम आगे आई हैं। सुल्ताना आंटी के नाम से मशहूर यह महिला आज महिलाओं का प्रेरणा स्रोत बन गई हैं, जो महिलाओं के मरे हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाने की छोटी सी कोशिश कर रही है। वह सिर्फ मोहल्ले तक ही नहीं रुकी, सुल्ताना बेगम ने हाथों आज राज्य और पड़ोसी राज्यों की कई बेटियां आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो गई हैं। ANN न्यूज ब्यूरो। आज हमारे 70 स्टूडेंट लोगों ने जो सिलाई, ब्यूटिशियन, एचडी मेकअप, मेहंदी की जो बच्चियां करती हूँ, उन लोगों का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए, जब मैं सर्टिफिकेट देती हूँ तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। पढ़े लिखे हो तो बहुत सारा स्कोप हो जाता है। जो बच्चे पढ़ी लिखी नहीं रहती है तो मुझे लगता है ये पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुनर के जरिए तो इसका पहचान ही बन सकता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत सारी 70% लड़कियाँ जो है पढ़ी लिखी कम भी आती है, तो उन लोगों को क्या है ना कि अपना सिलाई कढ़ाई पेंटिंग मेहंदी इससे करके अच्छा खासा अपना खर्चा मेंटेन कर लेती है। थोड़ा बहुत पहले आता था, लेकिन मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं कर मतलब बेसिक नहीं की, सिर्फ एसडी का मेकअप सीखने आई थी, सिर्फ खुद के लिए, ताकि मैं खुद को सजा सकूं। और मेरी दो बेटियां हैं, खूबसूरत हैं, तो उनको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। तो ब्यूटिशियन सीखने के जगह पे यहाँ पे और कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ, फ्रेंडशिप, एक दूसरे से इतना अच्छा घुल मिल सके, सबसे अच्छा तो सोशलाइजिंग करने मिला। इतने सारे लोगों को देखा, मिले, सबके स्टोरी सुनी, सबके स्ट्रगल है, एक एक लाइफ में एक स्ट्रगल है, सब छोड़ छाड़ के हम लोग फिर भी टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। आप कहाँ से? मैं बिहार से। औरत के अंदर कुछ हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाउसवाइफ बन के जीवन थोड़े ना होता है। आंटी के यहाँ तो बहुत ज़्यादा सब कुछ में सपोर्ट मिलता है, और हम तो चाहते हैं, सिलाई क्लास मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी और भी कुछ हम यहाँ से सोचते सीखते जाए, आंटी के यहाँ छोड़े नहीं आना। खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ANN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।